और कश्मीर के लिए भी एक बहुत ही मुबारक दिन है, क्योंकि आज से पूरे देश में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। जम्मू और कश्मीर में 8,33,000 बच्चों को हम वैक्सीन लगाएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके लिए एलजी साहब की अध्यक्षता में और उनके नेतृत्व में पूरा एक प्लान बनाया है। उस प्लान के मुताबिक करीब करीब 1600 साइट्स पर टीके लगाए जाएंगे और हम चाहते हैं कि 1,00,000 बच्चों को टीका रोज लगाया जाए। हम इस काम को बहुत जल्दी अंजाम दे सकते हैं। हमें लगता है कि भारत सरकार हमको पूरे तौर पर वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, जिससे कि जम्मू और कश्मीर के सब बच्चों को हम जल्दी ही टीका लगा सकें और उनको कोविड और ओमिक्रॉन से बचा सकें। So the ECRP is in two tranches. It is in two stages, ECRP 1 and ECRP 2. As far as ECRP 1 is concerned, Jammu and Kashmir have utilized the entire amount. Let me repeat, the entire amount. As far as ECRP 2 is concerned, we have time till March of this year to utilize that amount, and I am pretty sure that we will do it in the time given to us. Thank you. Sir, जो कोविड वैक्सीन कोविड पॉजिटिव पेशेंट ये स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए कोई खास ये नहीं रखा जाता है एग्जामिनेशन के दौरान, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कोविड पॉजिटिव आए उनके लिए फिर एग्जाम नहीं लिया गया। इस बार क्या नहीं जो भी आगे आगे ही है तो उनके लिए सेपरेट एग्जाम। यू सी ड्यूरिंग दिस फेज वी आर फुली प्रिपेयर्ड। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द नंबर ऑफ वेंटिलेटर बेड फर्स्ट द नंबर ऑफ वेंटिलेटर हैज इंक्रीज सेवरल टाइम्स ऑफ व्हाट वी हैड। The amount of oxygen available is now more than 10 times of what we had last year in May. Again, the number of beds has gone up by at least 50% as far as the ICU beds are concerned. We have more doctors now, we have more ambulances now, we have more oxygen supported beds now. We also have a stock of critical medicines kept with us. We have an action plan for deploying human resources and we are in the process of creating several stores of ICU beds for children and for women patients. So therefore, Jammu and Kashmir is ready to face any eventuality.